पहाड़ चढ़ के बीच की तरफ जाना पड़ेगा। फाइनली डेनमार्क आके बीच पहुंच गए। जेलीफिश I don't want anyone peeing on me or me peeing on myself. See, actually मैं जिमी मटरी है। मैं हूँ एक डेनिश सुपरमार्केट में। हम डेनमार्क आए हुए। Entry to the hotel. Whoa. क्रोसों भी बहुत ही गजब है। Upside down house. वेलकम टू वर्षिता देसी लाइफ अब्रॉड। तो अब हम जा रहे हैं बीच। वेल, हम जिस तरह से जा रहे हैं वो ऑलरेडी बीच के एकदम बगल से जा रहा है, समंदर के एकदम बगल से जा रहा है। एंड हमें रास्ते में ऐसे पहाड़ चढ़ के बीच की तरफ जाना पड़ेगा जो घास से ढका हुआ है। सो चलिए चलते हैं। इतनी जोर की हवा चल रही है कि बालू मुंह में लग रहा है और इतना जोर से लग रहा है, बट सह लेंगे थोड़ा। इतने दिनों बाद बीच में आए हैं। लास्ट टाइम पिछले साल ही पूरी गए थे, बट couldn't go to the beach cause we are busy, but finally डेनमार्क आके बीच पहुंच गए। जेलीफिश, ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार जेलीफिश देखा है। ओ भाई, कितने सारे हैं। इतने सारे जेलीफिश हैं कि मुझे लगता नहीं कि मुझे पानी में उतरना चाहिए। माय गॉड, जहां नजर दौड़ाओ वहां जेलीफिश। मैं एक तरह से दुखी भी हूँ कि मैं पानी में नहीं जा सकता, बट खुश भी हूँ कि जेलीफिश देखने मिली। I would have so loved to go into the water, but I don't want anyone peeing on me or me peeing on myself. अगर कोई जेलीफिश मुझे काटता है तो वापस जाके होटल में डिनर विनर करके सोने के बाद अगले दिन की शुरुआत होती है फिर से ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मुझे आज जिंजर शॉट्स दिखे, मैंने कहा ट्राई करते हैं। रेडी सेट गो। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको पता चल ही रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ऑफ कोर्स इस बटर के तो हम दीवाने हो चुके हैं, सो इट्स गोइंग टू बी अ स्टेपल जितने दिन भी हम यहाँ रहे। ब्रेकफास्ट के फ्रूट सेक्शन में दिखा छिमी मटर। इसे खोल के देखा तो ये एक्चुअल में छिमी मटर ही है। काफ़ी मीठा है दो, एंड या टेस्टी तो है। आई डोंट नो इफ इट काउंट्स एज अ फ्रूट या बायोलॉजिकली, यस, बट हम जैसे स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को ही फ्रूट्स बोलते हैं ना, उस तरह से आई गेस। तो ये मस्कमेलन भी काफ़ी मीठा है। मैं इसके पहले ट्राई किया था। जनरली बहुत ब्लांट मस्कमेलन मिलता है, बट ये वाला एक्चुअल में मीठा है। तो अभी मैं हूँ एक डेनिश सुपरमार्केट में। एक्चुअली डजेंट लुक मच डिफरेंट फ्रॉम द जर्मन वन। चीज़ें डिफरेंट है, ब्रांड्स डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल, आई डोंट थिंक आई हैव सीन दीस चिप्स एवर इन जर्मनी। प्रिंगल्स ऑफ कोर्स, बट दीस वंस नो। वन थिंग आई हैव नेवर सीन इन अ डेनिश सुपरमार्केट, लैम। एटलीस्ट उसका होल लेग पीस, ऐसे छोटे छोटे पीसेस मिल जाते हैं, बट पूरा का पूरा लेग पीस मैंने कभी जर्मन सुपरमार्केट में नहीं देखा है। आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग डेनिश स्पेशलिटी,
बट ना मेरे पास माइक्रोवेव है ना कुछ गर्म करने के लिए है, सो आई गेस आई हैव टू स्किप ऑल ऑफ इट. नो आई थिंक आई हैव टू वेट टिल आशिता इज हियर और वी ट्रैवल टुगेदर. तो हम लोग कुछ ढूंढ के यहाँ का चीज़ें खा सकते हैं ना. बट या एज वी से इन जर्मन पेश गेहब्ट बैड लक. तो हमारा डेनमार्क का ट्रिप ख़त्म, काम ख़त्म हो गया, हेंस वी हैव टू लीव नाउ. काफ़ी अच्छा था यहाँ का स्टे, बहुत अच्छा था, काम भी अच्छे से हो गया एंड नाउ वी हैव अ लॉन्ग ड्राइव अहेड. मुझे 4 घंटे कार से जाना है पहले हैम्बर्ग तक एंड देन आई हैव ऑलमोस्ट 5 and a half hours ट्रिप बैक टू आखन. सो या इट वॉन्ट बी टायरिंग एज सच, होपफुली. आई एम अ लिटिल टायर्ड बट चलता है. आशिता डजंट नो कि हम आज आ रहे हैं, हम एक्चुअली कल जाने वाले थे, हमारा काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया तो हम लोग आज ही निकल रहे हैं एंड शी डजंट नो, सो इट विल बी अ सरप्राइज फॉर हर. मैंने वैसे उससे पूछ लिया है कि वो घर पे है कि नहीं, अदरवाइज मेरे पास घर की चाबी भी नहीं है एंड आई वुड हैव बीन लेफ्ट आउट और लॉक्ड आउट एक्चुअली. होटल से निकलते ही सामने दिख गया ये रेलवे क्रॉसिंग. आप देख सकते हैं यहाँ का रेलवे क्रॉसिंग कितना खाली खाली मस्त सा है, कोई नहीं है इसे मैन करने के लिए. और या ट्रेन का वेट कर रहे थे काफ़ी देर तक, हमें लगा काफ़ी लंबी सी कोई ट्रेन आएगी बट जस्ट सी छोटे से ट्रेन के लिए हम इतनी देर वेट कर रहे थे वहाँ पे. बट हाँ ट्रेन जाते ही अपने आप खुला और हम अपने रास्ते. मैंने नोटिस किया ये रेलवे क्रॉसिंग का कलर भी डेनिश झंडे जैसा ही है. तो फाइनली गाड़ी के सहारे भीड़ को देखते देखते 4 घंटे बाद तो हम पहुंच गए हैं हैम्बर्ग के मेन स्टेशन एंड इसमें थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है.